तो भाई हो चुके हैं रेडी। और अभी मैंने सुना रास्ते में काफी जाम है, पता नहीं क्यों। टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुका हूँ मैं। कितने हो चुके हैं और कौन सा नंबर है अपने भाई का? आपको जो भी प्लेटफॉर्म लेना है, आपको जो भी फील्ड लेना है। आज मुझे अपने कश्मीरी होने में इतना प्राउड फील हो रहा है। प्लान था कि उधर जाएंगे 11 स्पाइसेस, बट हेलो भाई लोग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है तुम सबके। तो यार अभी मैं रेडी हो रहा हूँ, अभी जाना है मैंने जोरावर सिंह स्टेडियम जो कि पड़ता है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर। और काम मुझे वहाँ पे क्या है, जो मेरा छोटा भाई है उसका नाम विश्वास है और उसकी आज, वो एक्चुअली गाने वाने गाता है, तो उसकी एक परफॉर्मेंस है आज, तो मैं वही देखने जा रहा हूँ। कश्मीरी गाना गाएगा वो आज, तो एक बार वो हो जाएगा उसके बाद शायद मैं सूरत के साथ निकल जाऊंगा कहीं एक्सप्लोर करने। एक जगह हमने सोची है बट वो कौन सी है वो मैं आपको तभी बताऊंगा। भाई जूते पहनेंगे आज न्यू बैलेंस के, अगर तुम लोग एक स्नीकर हेड हो तो तुम जानते हो इन जूतों। बाकी एक बैगी जीन्स पहन ली है और अभी ऊपर का देखते हैं क्या पहनेंगे। तो भाई हो चुके हैं रेडी, और क्योंकि कह रहे हैं उस साइड ठंड भी काफ़ी है, तो फिर इसलिए मैंने थोड़े ठंड के लिए पूरी तैयारी करके जा रहा हूँ। फिर पहुँचते हैं उधर और फिर मिलते हैं आपसे। अभी मैंने सुना रास्ते में काफ़ी जाम है, पता नहीं क्यों, बट और उस साइड कह रहे हैं ठंड भी है, तो अभी आउटफिट चेक कर रहा था। टैक्सी लग रहा है भाई, तो अभी निकलते हैं फिर पहुँच के बताते हैं आपको वहाँ। तो भाई लोग इस टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुका हूँ मैं, अब देखते हैं हमें जाना है जोरावर स्टेडियम। तो काफ़ी लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि अभी यूनिवर्सिटी का रास्ता है अंदर का। तो बाकी मैं तो यहाँ उतना आया नहीं हूँ तो मुझे तो पता नहीं ज़्यादा कुछ इसके बारे में। अभी ढूंढते हैं कहाँ पे है वो स्टेडियम। तो भाई लोग फाइनली पहुँच चुके हैं जोरावर सिंह स्टेडियम और गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। तो अपनी गाड़ी ये लगी है और वो लगी है घर वालों की गाड़ी, दूसरी गाड़ी भी आई हुई है आज। तो अभी हम चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या हाल चाल है, कहाँ पहुँची है परफॉर्मेंस, कितने हो चुके हैं और कौन सा नंबर है अपने भाई का, और अंदर जाके फिर आपको दिखाता हूँ कुछ। तो यार फाइनली मैं अभी बाहर आया हूँ अंदर से, और मैं अभी क्या बताऊँ तुम्हें यार, क्या तो टैलेंट है यार, मतलब एक से बढ़कर एक क्या परफॉर्मेंसेस हुई है। मैं मतलब मन कर रहा था मेरा, जब मैं आया था यहाँ मेरा मन कर रहा था कि मैं सिर्फ अपने भाई की परफॉर्मेंस देखूंगा और फिर निकल जाऊंगा, पर मेरे से उठा ही नहीं गया। इतना बढ़िया बढ़िया परफॉर्म किया उन लोगों ने, हालांकि मैक्सिमम चीज़ें कश्मीरी में थी। मतलब आज मुझे अपने कश्मीरी होने पे इतना प्राउड फील हो रहा है ना, क्योंकि इतना रिच कल्चर यार। अब फिर फाइनली अभी फेलिसिटेशन चल रही है और भूख भी बहुत लग रही है, तो मैं आ गया बाहर। अभी मैं घरवालों का वेट करूंगा यहीं पे अंदर, क्योंकि बहुत शोर हो रहा था, तो मैंने कहा बाहर चलता हूँ थोड़ी देर। और अब इसके बाद फिर क्योंकि लंच किया नहीं है तो लंच करने निकलना पड़ेगा, तो देखते हैं कहाँ जाएंगे लंच करने। और दूसरा जो प्लान मैंने बताया था कि शायद एक जगह जाना है सूरज के साथ, वो वाला लग रहा है मुझे कि अब लेट बहुत हो चुका हूँ मैं,
तो आज सक्सेस शायद नहीं हो पाएगा, तो फिर वो फिर कभी करना पड़ेगा प्लान, बाकी जैसा भी होगा आपको बता दूंगा। तो भाई देख सकते हो अभी आए हैं गांधीनगर, गाड़ी लगा दी पार्किंग में। प्लान था कि उधर जाएंगे 11 स्पाइसेस, बट आला कारते बंद हो चुका है इस टाइम क्योंकि 5 बज चुके हैं। तो अब अभी सोच रहे हैं हम जाएंगे बिरयानी लेने, और यहाँ की मशहूर बिरयानी जो है वो मिलती है जंगीज़ पे। और एक प्रॉब्लम है यार कि खाते टाइम मैं व्लॉग करना भूल जाता हूँ, तो शायद नया है इसलिए अभी आदत नहीं है, तो शायद पड़ जाएगी आगे जाके। तो बिरयानी खाई आज, घर वालों को काफ़ी पसंद आई, और क्योंकि ऑयली वगैरह ज़्यादा खाते नहीं है तो आज बहुत टाइम बाद खाया है तो मज़ा आया है। चलते हैं घर, शाम भी हो चुकी है तो अब आज का दिन तो ख़त्म हो गया। जो वो दूसरा प्लान है कहीं जाने वाला वो शायद बाद में ही हो पाएगा कभी, तो फिर अभी निकलते हैं घर की ओर और आज का दिन करते हैं ख़त्म। तो भाई वर्कआउट हो चुका है खत्म और मैं आ चुका हूँ जिम से बाहर, अब चलते हैं घर की ओर। मैंने थोड़ी क्लिप्स भी डाली है आज वर्कआउट की, तो वो भी आप देख ही लोगे, देख ली होगी आपने अभी तक। आज बहुत बेहतरीन वर्कआउट हुआ है आज, मतलब मजा आ गया वर्कआउट करके। आज अपनी लेग डे था आज, और आज हमने मतलब PR नहीं अटेम्प्ट किया, आज हमने नीचे ही रखा। तो आज हमने मारे हैं 85 के 6 रेप मारे हैं और 3 सेट मारे हैं उसके, तो ओवरऑल इट वाज अ गुड वर्कआउट। तो अब चलते हैं घर और करते हैं ऑफिस ज्वाइन। और अब ये वीडियो हो चुकी है काफ़ी लंबी क्योंकि इसमें बहुत कुछ हमने किया, इसीलिए इस वीडियो को मैं करता हूँ ख़त्म यहीं पे, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, और आपसे एक चीज़ फिर से कहूँगा कि डू सब्सक्राइब क्योंकि अमेजिंग कंटेंट ऑन द वे है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।